हम हिंदी में हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी से संबंधित और कुछ पत्रिकाएं हैं। देखिए, नंबर एक है प्रताप, प्रकाशन वर्ष इसका 1913, 1913 में प्रकाशित होती थी। प्रकाशन स्थान है कानपुर, कानपुर से प्रकाशन होता था, किसका, प्रताप का, ठीक। संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साप्ताहिक इसका क्या होता था, संपादन होता था, ठीक है। सूत्र वाक्य था, इस पत्रिका पर सूत्र वाक्य लिखा रहता था, जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निराह है और मृतक जीव समान है। तो ये प्रताप पत्रिका का सूत्र वाक्य था। प्रकाशन वर्ष 1913, प्रकाशन स्थान कानपुर और संपादक है इसके गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, प्रताप पत्रिका के। देखिए प्रभा, प्रकाशन वर्ष है 1913, ठीक है, प्रकाशन स्थान खांडवा कानपुर से इसका प्रकाशन होता था। संपादक है कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी, ये तीन इसके संपादक थे, किसके, प्रभा के। और साप्ताहिक इसका क्या होता था, प्रकाशन होता था, ठीक है, प्रभा का। नंबर तीन देखिए शारदा, यह पत्र है शारदा, ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 1916, प्रकाशन स्थान है जबलपुर, जबलपुर से इसका प्रकाशन होता था। संपादक है नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, तीसरे हैं सालग्राम द्विवेदी, ये इसके संपादक हैं, किसके, शारदा पत्र के। संरक्षक थे, संरक्षक भी थे इसके, ठीक है, सेठ गोविंद दास इसके संरक्षक थे शारदा पत्र के। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये छायावाद युग का श्रेष्ठ पत्र माना जाता है, ठीक है, छायावाद युग का श्रेष्ठ पत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने 1920 में छायावाद संबंधी लेख, या छायावाद या छायावाद संबंधी लेख लेखमाला प्रकाशित कर सर्वप्रथम छायावाद युग को मान्यता दी थी इस पत्र ने, शारदा ने, ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, छायावाद युग का श्रेष्ठ पत्र है। 1920 में छायावाद संबंधी लेखमाला प्रकाशित कर सर्वप्रथम छायावाद को मान्यता किस पत्र ने दी थी, इसी पत्र ने दी थी, शारदा ने। नंबर चार देखिए कर्मवीर, प्रकाशन वर्ष है 1919, प्रकाशन स्थान है जबलपुर और संपादक है इसके माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, कर्मवीर के। माखनलाल चतुर्वेदी किसके संपादक है, कर्मवीर के। पांच देखिए चांद, प्रकाशन वर्ष है 1920, प्रकाशन स्थान है प्रयाग, संपादक है रामरख सहगल, चंडी प्रसाद, ठीक है, और महादेवी वर्मा। साप्ताहिक, ये साप्ताहिक प्रकाशित होता था, बाद में मासिक का प्रकाशन हुआ चांद का। तो प्रश्न इसमें से ऐसे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा किसकी संपादिका थी, किसकी चांद की थी, ठीक है। अच्छा देखिए हिंदी नवजीवन, प्रकाशन वर्ष है 1921, प्रकाशन स्थान है अहमदाबाद, संपादक है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी संपादक है इसके, किसके, हिंदी नवजीवन के, और साप्ताहिक इसका संपादन होता था, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि महात्मा गांधी किसके संपादक हैं, हिंदी नवजीवन के, ठीक है, इसके संपादक हैं महात्मा गांधी। ये आप देख लीजिए, इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी नवजीवन के। साथ देखिए समन्वय, प्रकाशन वर्ष है 1922, प्रकाशन स्थान है कलकत्ता, संपादक इसके माधवानंद के संपादक में आरंभ हुआ था ये, ठीक है, माधवानंद के संपादकत्व में आरंभ हुआ था, किसका, समन्वय का, लेकिन बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसके संपादन रहे, किसके, समन्वय के, ठीक है। आठ देखिए माधुरी, प्रकाशन वर्ष है 1922, प्रकाशन स्थान है लखनऊ, संपादक है इसके प्रेमचंद माधुरी के, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित देख सकते हैं हम, माधुरी से संबंधित, माधुरी पत्रिका से संबंधित, ठीक। प्रकाशन वर्ष 1922, प्रकाशन स्थान लखनऊ, संपादक है प्रेमचंद।